हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कितनी वीडियोस आप अपलोड कर देंगे तो आपका चैनल जो है ग्रो हो जाएगा। आज मैं आपको लाइव दिखाने वाली हूं कि आप कितनी वीडियोस अपलोड करेंगे कि आपका चैनल ग्रो हो जाए। एक वीडियो डालने से, 10 वीडियो डालने से, 100 वीडियो डालेंगे या फिर 1000 वीडियो डालने से आपका चैनल ग्रो होगा। वीडियो को शुरू करते हैं, पर उससे पहले हेलो फ्रेंड्स, मैं सुप्रिया सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ A to Z कॉन्टेंट में। अगर ये वीडियो आपको पूरी देख के बाद अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। मैं अपने ही चैनल से आपको स्टार्ट करके लाइव दिखाने वाली हूँ और यहाँ पे बहुत से चैनल्स का एग्जांपल आपको मैं शो करने वाली हूँ। इससे आप इंस्पायर हो के अपना चैनल ग्रो जरूर कर लेंगे, वो भी बहुत ही कम वीडियो अपलोड करने में ही। कि बहुत से कमेंट्स मुझे आते हैं कि हमने 500 वीडियो डाल दी है, 600 वीडियो अपलोड कर दी है, लेकिन अभी तक मेरा चैनल ग्रो नहीं हुआ है, हम डेली वीडियो अपलोड कर रहे हैं। तो आज की इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने YouTube चैनल को जरूर ग्रो कर लेंगे। यहाँ पे हम चलते हैं YouTube में और YouTube में जाने के बाद मैं आपको अपना दूसरा चैनल, मतलब ये वाला चैनल शो करती हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे 34,700 सब्सक्राइबर हो चुके हैं, 35 बस होने ही वाला है। और मैंने वीडियोस कितनी अपलोड की है, 422 वीडियोस अपलोड की है और हमारा लगभग 35,000 का फैमिली होने जा रहा है। वीडियो के ऊपर क्लिक करके मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये चैनल आखिर मैंने बनाया कब था। यहाँ पे हम क्लिक कर लेते हैं और आप देख सकते हैं कि ये जो चैनल मैंने बनाया था 2021 में बनाया था, मतलब धीरे धीरे 2 साल हो गया है, 2 साल कुछ महीने ऊपर हो चुके हैं। यहाँ पे ओल्डेस्ट वीडियो के ऊपर मैं क्लिक करके आपको दिखाती हूँ कि मैंने ओल्डेस्ट वीडियो, मतलब अपनी पहली वीडियो इस चैनल पे कब अपलोड की है। देख सकते हैं 2 साल पहले मैंने यहाँ पे इस चैनल पे पहली वीडियो अपलोड की है और जो पहली वीडियो मैंने इस पे अपलोड की है 4,000 व्यूज आए हुए थे पहली वीडियो में। अब यहाँ पे हम चलते हैं हमारी दूसरे चैनल पे, इजी किचन हैक्स नाम था इस चैनल का पहले, लेकिन अब मैंने कुछ दिन से चेंज करके नन्ही रसोई रख दी है और इस चैनल पे मैं उतनी ज़्यादा एक्टिव नहीं हूँ क्योंकि मुझे A to Z कंटेंट से ही टाइम नहीं मिलता है। मैं सिर्फ एक ही चैनल को संभाल पा रही हूँ, 2 चैनल का काम नहीं कर पा रही हूँ। अब आप यहाँ पे देखिए ये चैनल मैंने कब बनाया है, 13 अक्टूबर 2019 में बनाया है। 748 वीडियोस अपलोड की है, मतलब लगभग 750 वीडियोस अपलोड की है और सब्सक्राइबर कितने हैं, उससे 10,000 कम है। यहाँ पे 24,000 सब्सक्राइबर है, वहाँ पे 35,000 सब्सक्राइबर है, सीधा सीधा 10,000 सब्सक्राइबर कम है। ओल्डेस्ट वीडियो जो मैंने अपलोड की है यहाँ पे 4 साल पहले अपलोड की थी ये पहली वीडियो और व्यूज कितने आए हैं, 666 इतने व्यूज आए हुए हैं। उसमें पहली वीडियो अपलोड की थी, कितने व्यूज आए थे, 4,000 व्यूज आए थे पहली वीडियो पे। यहाँ पे मैंने पहली वीडियो अपलोड की थी 4 साल पहले, यहाँ पे कितने व्यूज आए हैं, 1,000 भी नहीं आए हैं। क्यों, क्या फ़र्क है? अगर ये चैनल मैंने 4 साल पहले बनाया है और यहाँ पे मैंने 750 वीडियोस डाली है, फिर भी 24,000 सब्सक्राइबर्स है और वहाँ पे वो चैनल मैंने 2 साल पहले बनाई है और वहाँ पे मैंने सिर्फ 422 वीडियोस अपलोड की है, तो क्या डिफरेंस है? अब मैं आपको बताती हूँ डिफरेंस, और अगर ये डिफरेंस आप समझ गए तो आप अपने चैनल को ग्रो कर लेंगे। और मैं कुछ और लाइव एग्जांपल्स आपको पहले दिखा देती हूँ। अब मैं आपको कुछ बड़े बड़े जो क्रिएटर्स होते हैं, जिन क्रिएटर्स को देख करके हम इंस्पायर होते हैं, यूट्यूब पे वीडियोस बनाते हैं और उनके जैसा बनना चाहते हैं, तो अब हम उनकी वीडियोस देखते हैं कि उन्होंने कितनी वीडियोस अपलोड की है, कितनी वीडियोस अपलोड करने पे ग्रो हो पाया है। इस चैनल पे बहुत सारे चैनल्स ऐसे हैं, क्रिएटर्स ऐसे हैं जो मुझे देखते हैं जिनका कुकिंग चैनल है। अगर मैं कुकिंग चैनल का आइडिया आपको दूंगी तो आप ज़्यादा अच्छे से रिलेट कर पाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक चैनल मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया है यूट्यूब पे, विलेज कुकिंग चैनल, आप जाके ये चैनल देख भी सकते हैं, खुद भी तसल्ली कर सकते हैं, विलेज कुकिंग चैनल। यहाँ पे अब आप देखिए इन्होंने जो वीडियो अपलोड की है 236 वीडियोस अपलोड की है और इनके है 24 मिलियन सब्सक्राइबर। कितनी वीडियो में, 236 वीडियोस में 24 मिलियन, 25 मिलियन होने ही वाले हैं, बस थोड़े से ही बाकी हैं। एक और कुकिंग का बड़ा चैनल चेक करेंगे, ग्रेट इंडियन ASMR, यहाँ पे आप देख सकते हैं सिर्फ 287 वीडियोस अपलोड करके यहाँ पे 12 मिलियन सब्सक्राइबर कंप्लीट कर लिया गया है।
अब ऐसा क्यों है कि यहाँ पे 236 वीडियो ही अपलोड की गई है, मतलब कम ही अपलोड की गई है, लेकिन 24 मिलियन सब्सक्राइबर है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 287 वीडियोस अपलोड की गई है, कुकिंग विलेज से ज़्यादा वीडियोस अपलोड की गई है, लेकिन 12 मिलियन ही सब्सक्राइबर है, मतलब उनका सीधा हाफ, ठीक है, 12 मिलियन 24 मिलियन, कितना डिफरेंस है, क्यों है। अब हमारी जानी मानी कविताज किचन जी को सभी लोग जानते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे 1.7K मतलब 1700 वीडियोस अपलोड कर दी गई है, सब्सक्राइबर कितने हैं 13 मिलियन प्लस हुए हैं, क्या डिफरेंस है। भरत किचन आप देख सकते हैं, भरत किचन जी ने 816 वीडियोस अपलोड की है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, और यहाँ पे सब्सक्राइबर है 13 मिलियन। कविता जी ने उनकी डबल वीडियो डाली है, जितनी भरत जी ने डाली है कविताज किचन ने डबल वीडियो डाली है, और भरत जी ने देखिए उनकी आधी ही वीडियोस अपलोड की है, लेकिन सब्सक्राइबर लगभग सेम है। अब मैं आपको बताती हूँ कि फ़र्क क्या है, क्यों किसी के चैनल पे ज़्यादा वीडियोस अपलोड किए गए हैं लेकिन सब्सक्राइबर कम ही है, और किसी किसी के चैनल पे बहुत ही कम वीडियो अपलोड किए गए हैं लेकिन सब्सक्राइबर बहुत ही तेज़ी से गेन किया गया है, बहुत ही तेज़ी से ग्रो हुआ है चैनल। मैं अपना ही एग्जाम्पल लेती हूँ, जब मैंने ईजी किचन हैक्स चैनल स्टार्ट किया था तो मुझे नहीं पता था कि वीडियो को कैसे शूट करते हैं ठीक से, कैसे एडिट करते हैं, कैसे थंबनेल अच्छा अट्रैक्टिव बनाते हैं, किस तरीके से ठीक से SEO करके वीडियो को अपलोड करते हैं, और टॉपिक जो हम चुनते हैं टॉपिक का चुनाव भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो ये 5 चीज़ें अगर आप YouTube पे सीख करके आते हैं और फिर वीडियो अपलोड करते हैं तो आपकी पहली ही वीडियो से आपको अच्छे व्यूज़ मिल जाएंगे, और कम वीडियो अपलोड करके भी आपका चैनल तेज़ी से ग्रो होने लग जाएगा। मैंने पहला चैनल बनाया था ईजी किचन हैक्स नाम से, उस पे जो मैंने पहली वीडियो डाली थी उस पे 1000 भी व्यूज़ नहीं आए थे। तो मुझे यूट्यूब के बारे में कुछ भी नहीं पता था, बस इतना था माइंड में मुझे यूट्यूब पे वीडियो डालना है, चाहे जिस तरीके से डाल देना है, ना ही मैं ये देखती थी कि मेरी एडिटिंग कैसी है, मैंने शूट कैसे किया है, SEO कैसे किया है, थंबनेल अच्छा है या नहीं है, टाइमिंग वीडियो अपलोड करने का सही है या नहीं है, ये कुछ भी मैं नहीं देखती थी, बस फटाफट से एक वीडियो बनाती थी, बना करके अपलोड कर देती थी, और प्रॉब्लम बस यही होता था कि उसका भुगतान भी वीडियो को ही करना पड़ता था, वीडियो में ठीक से व्यूज़ नहीं आते थे, सब्सक्राइबर नहीं बढ़ते थे, और वॉच टाइम भी कम होता था। तो मैं बस परेशान रहती थी कि भाई मैंने इतनी वीडियोस अपलोड कर दी है, इतनी वीडियो डाल रही हूँ, वीडियो बना रही हूँ, लेकिन व्यूज़ नहीं बढ़ रहे हैं, सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं, कमी क्या थी। उस पे धीरे धीरे काम किया, धीरे धीरे काम करने के बाद चैनल भी फिर धीरे धीरे ही ग्रो होगा। अगर मैंने A to Z कंटेंट चैनल पे 5 वीडियोस डाल करके 1000 सब्सक्राइबर पूरा कर लिया है, तो वहीं पे इजी किचन हैक्स चैनल पे 50 वीडियो अपलोड करने के बाद भी 1000 सब्सक्राइबर मैं पूरा नहीं कर पा रही थी, आप डिफरेंस समझ ही सकते हैं। तो इजी किचन हैक्स चैनल पे काम करते करते A to Z कंटेंट चैनल जब मैंने बनाया, 2 साल बाद बनाया, मुझे इतना समझ में आ गया था कि वीडियो सिर्फ अपलोड करने से बनाने से कुछ नहीं होता है, या फिर ठीक ठाक SEO करके ठीक ठाक थंबनेल बना करके अगर हम वीडियो को अपलोड करते हैं YouTube पे तो कुछ नहीं होता है, बस अच्छे से व्यूज़ नहीं आएंगे, सब्सक्राइबर नहीं बढ़ेंगे। कभी कभी आपने नोटिस किया होगा कि आपके किसी किसी वीडियोस में अच्छे व्यूज़ आ जाते हैं, लेकिन वहीं पे अगर आप दूसरी वीडियो डालते हैं तो उसमें व्यूज़ उतने अच्छे नहीं आते हैं, थोड़ा सा कम आता है। टॉपिक का सही चुनाव करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब ये 6 चीज़ों इसमें से एक भी आप कम करेंगे तो चैनल जो है तेज़ी से ग्रो नहीं हो पाएगा। 6 बोला है तो 6 चीज़ें आपको अच्छे से करनी ही है, इन 6 टॉपिक्स पर अच्छे से काम करना ही है। आखिरी में बस इतना ही बोलूँगी कि आपकी वीडियो की क्वालिटी, आप कैसी वीडियो बना रहे हैं, वही निर्धारित करेगा कि आपका चैनल ग्रो कब होगा, किस दिन होगा, और कितने वीडियोस अपलोड करने पे आप अपना चैनल ग्रो कर पाएंगे। क्योंकि मैंने आपको लाइव ही दिखा दिया है कि किसी ने 250 वीडियोस अपलोड करके चैनल ग्रो कर लिया है, मिलियंस में सब्सक्राइबर आ गए हैं, और किसी किसी को वहीं पे 1500 तक वीडियोस अपलोड करनी पड़ी है,
तब जा कर के चैनल ग्रो हो पाया है। तो अब आप डिसाइड करिए कि आपको कितनी वीडियोस अपलोड करनी है और कितनी वीडियोस अपलोड करने के बाद अपना चैनल ग्रो करना है। फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ जो मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ आप समझ पाए हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।